नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सोमू सिंह आज के इस शिक्षण अधिगम सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षाविद पीठ के सहायक आचार्य डॉक्टर गौरव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर गौरव सिंह जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। गौरव जी शिक्षक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों के माध्यम से गौरव जी से ये जानना चाहता हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं। अच्छा प्रश्न किया सोमू सिंह जी आपने। देखिए, जब हम प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन और उसके दूसरे पक्षों की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की और प्रारंभिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कितनी जटिलता है और उसमें क्या चुनौतियां हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सामने प्रारंभ से रही है, वह चुनौती है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और दूसरा, जब 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद उस अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2010 के बाद से अधिनियम में जो भी बिंदु रखे गए, जो भी अनुशंसाएं की गईं, जो भी अधिकार दिए गए, उनका अनुपालन ठीक प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बड़ी चुनौती जो प्रारंभिक शिक्षा के सामने है वो है केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है राज्यों को और उनके माध्यम से नीचे स्थानीय निकायों तक, वह वित्तीय सहायता जिस मद में दी जा रही है उसी मद में प्रयोग हो रही है, स्थानीय निकाय तक वह उसी रूप में पहुंच रही है, स्थानीय निकाय उसका संपूर्ण प्रयोग करके हमारे विद्यार्थियों को उससे मदद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती भी प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभ से रही है, वो है शिक्षकों की व्यवस्था। हमने बहुत सारी योजनाओं की चर्चा पूर्व में भी की है जो केवल शिक्षकों की उपयुक्त संख्या विद्यालयों में हो जाए इसके लिए चालू की गई, या शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, सभी विद्यालय जो प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो प्रशिक्षित हों, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी भी एक बड़ी संख्या है जो अप्रशिक्षित अध्यापकों की है। एक और बड़ी चुनौती हमारे सामने आई जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद विद्यालय शिक्षा समितियों की स्थापना की गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC जिनको बोला गया, वह स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ठीक से बने, उनका जो संगठन है वह उसी रूप में रहे जिस रूप में उसकी प्रस्तावना की गई है, और वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो हैं, जो विद्यालय शिक्षा समितियाँ हैं, वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार संचालित कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती है, वो है जो विद्यालय शिक्षा समितियों के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है, विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण करना जी। क्या वे विद्यालय शिक्षा समितियां प्रभावी ढंग से विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण कर पा रही हैं? तो उन योजनाओं का निर्माण ठीक प्रकार से हो, उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो आज की प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन से जुड़े हुए मुद्दों के अंतर्गत आती हैं और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ प्रशासनिक मुद्दे भी हैं जो हमारे विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी, वो क्या क्या हैं? देखिए, प्रशासनिक मुद्दे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रशासनिक वो है पदानुक्रम और विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ। एक तो जो हायरार्की सिस्टम है और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन किस स्तर तक हुआ है, ये दो बड़े समस्याएं हैं प्रशासनिक स्तर पर जिसके हमें समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। जब हम हायरार्की या पदानुक्रम की बात करते हैं तब हमें एक चीज स्पष्ट रूप से नजर आती है, यदि हम स्वतंत्रता के बाद से या उससे पहले से भी भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की नीतियां बनी हैं उसका क्रम देखें, तो हमने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया है, ऊपर से नीचे का प्रवाह रहा है नीतियों के संबंध में। अधिकांशतः नीतियां केंद्र में या राज्यों में या तो उनके सचिव बनाते हैं या उनके निदेशक बनाते हैं या उनके आयुक्त बनाते हैं या परियोजना निदेशक बनाते हैं, तो ऐसे लोग नीतियों का निर्धारण करते हैं चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो। और विद्यालय में शिक्षक की भूमिका मात्र विद्यालय का स्ट्रक्चर, विद्यालय में पाठ्यचर्या ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, मूल्यांकन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी भी नीतियाँ ऊपर से बनकर आती हैं,
उनकी नीतियों के उन नीतियों के क्रियान्वयन मात्र तक सीमित है। तो यदि हम देखें भारत में जो पदानुक्रम संबंधी समस्याएं हैं, जो हायरार्किकल सिस्टम है, वह एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। कई बार अध्यापकों को लगता है कि हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नीतियाँ ऊपर बनेंगी, पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ ऊपर बनेंगी, पुस्तकें ऊपर से लिख कर आएंगी, हमें तो केवल कक्षा में उनको पढ़ाना है और जो मूल्यांकन की प्रविधि ऊपर से बताई गई है उसी मूल्यांकन प्रविधि के हिसाब से हमें उनका विद्यार्थियों का अपने मूल्यांकन करना है। तो एक अध्यापक की भूमिका केवल कक्षा में पढ़ाने और मूल्यांकन तक सीमित रह जाती है और वो अपने आप को इस पूरी व्यवस्था से कहीं अलग अनुभव करने लगता है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं शिक्षक एक अनुपालनकर्ता की भूमिका में ही रहता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इन चुनौतियों और जो मुद्दे आपने हाईलाइट किए हैं उनके समाधान क्या क्या हैं। इनके समाधान ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम ठीक से पढ़ें और उसको समझें तो उसमें इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों के कुछ की चर्चा हम आगे करेंगे। मुझे लगता है कि जो पहला कदम हमें उठाना चाहिए और जिसका शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है, वो है प्लानिंग में बॉटम टू टॉप अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर जाने का जो उपागम है वो उपागम हमें अपनाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो स्कूल लेवल की प्लानिंग है, जो विद्यालय स्तर का नियोजन है, उसमें अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन समितियों के अंदर हो, चाहे वो पाठ्यक्रम के स्थानीयकरण के लिए हो जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, या मूल्यांकन की प्रविधियों में नए नए नवाचारों का प्रयोग करना हो उसके लिए उसको हमें छूट देनी चाहिए। तो प्लानिंग में हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये एक समाधान हो सकता है। दूसरा समाधान हो सकता है प्लानिंग में सबकी भागीदारी, शैक्षिक नियोजन में सबकी भागीदारी। जब हम सबकी भागीदारी की बात करते हैं तो वहाँ बच्चों की भागीदारी की बात भी करते हैं, हम माता पिता की भागीदारी की बात भी करते हैं, उनके अभिभावकों की भागीदारी की बात भी करते हैं, ग्राम के या पंचायत के जो अन्य सदस्य हैं जो वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनकी भी भागीदारी की बात करते हैं, शिक्षकों की भागीदारी की बात भी करते हैं। तो प्लानिंग में इन सब की भागीदारी जब होगी तब वो जो एक टॉप टू डाउन अप्रोच की समस्याएं हैं उनको कुछ हद तक हम दूर कर सकते हैं। तीसरा उसमें हम ये अपना सकते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कितना लचीलापन पाठ्यक्रम में हो सकता है, कितना लचीलापन पाठ्य वस्तु के अंतरण की व्यवस्था में हो सकता है, किन पाठ्य वस्तुओं के अंतरण के लिए किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है उसमें हो सकता है, और जो स्कूल की सिचुएशन है, जो इंस्टीट्यूट की सिचुएशन है, जो संस्थानिक स्थिति है, इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है, उसके हिसाब से भी संस्थानों को कुछ बदलावों की अनुमति दी जानी चाहिए। उससे ये जो हायरार्की और डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़े मुद्दे हैं इनका समाधान काफ़ी हद तक किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो शिक्षार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी ये देखेंगे कि जब वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे तब वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही थी पूर्व में एजुकेशनल प्लानिंग की और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद शिक्षकों की जो भागीदारी और स्थानीय समुदाय की जो भागीदारी बढ़ाई गई है उसको वो इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास भी करेंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और ये वाकई में बहुत ज़रूरी भी है कि जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति है उसमें सभी समुदाय के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, गांव की महिलाओं का, गांव के वंचित समूहों के लोगों का, बच्चों के अभिभावकों का। तो कहीं ना कहीं जो योजना बनेगी या समस्याओं का जो चिन्हीकरण होगा वो वास्तविक होगा और उसके बाद जो योजना बनेगी और जो ऊपर तक जाएगी ये अधिक व्यवहारिक और सार्थक समाधान की दिशा में अच्छा कदम होगा। जी, और इसके साथ ही हम कुछ और कदम भी उठा सकते हैं, खासतौर पर जो हायरार्की और डिसेंट्रलाइजेशन का इशू है, पदानुक्रम और विकेंद्रीकरण का विषय है। एक तो नियोजन और वित्त, प्लानिंग और फाइनेंसिंग, दो बड़े मुद्दे हैं। तो इसका विकेंद्रीकरण हमें कम से कम जिला स्तर तक कर देना चाहिए कि विद्यालयों में वित्त का बंटवारा कैसे होगा ये केंद्र या राज्य तय नहीं करेगा, क्योंकि हर जिले के विद्यालयों की संख्या, हर जिले के प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकता, उस विद्यालय में छात्रों की संख्या, उस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या, ये जिला स्तर पर मॉनिटर हो सकता है, ये राज्य या केंद्र स्तर पर उतना प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता। तो ये जो इसकी प्लानिंग और इसकी जो फाइनेंसिंग है
उसमें मुझे लगता है कि विकेंद्रीकरण जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो जिला स्तर तक जाना चाहिए निश्चित रूप से। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या काफी अधिक है, हाँ हाँ, तो उसको मैनेज करना भी एक तरह से कठिनाई या चुनौती ही है राज्यों के समक्ष। जी, दूसरा साथ ही इसमें जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो जिला पंचायतें हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हैं, उनको अधिक स्वायत्तता देने की जरूरत है, खासतौर पर शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में। इसके अलावा जो हमने DPEP कार्यक्रम में और SSA योजनाएं जब चल रही थी तब संकुल और खंड संसाधन केंद्रों की व्यवस्था की थी, वो संकुल और खंड संसाधन केंद्रों को और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जो बहुत सारी प्रतिवेदन इकाइयां हैं अर्थात जहां रिपोर्टिंग उनको करनी है, वहां मल्टीपल अप्रोच अपनाएं, अर्थात विद्यालय भी अपनी रिपोर्टिंग करें, खंड स्तर के अधिकारी भी अपनी रिपोर्टिंग करें, जिला स्तर के अधिकारी भी अपनी रिपोर्टिंग करें, तो जब मॉनिटरिंग के स्तर बढ़ जाएंगे तो गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगी और नियोजन और प्रबंधन की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। साथ ही नियोजन और क्रियान्वयन में माता पिता और स्थानीय लोगों की भागीदारी सकारात्मक हो और वो अर्थपूर्ण हो। केवल विद्यालय प्रबंध समिति के गठन कर देने मात्र से या PTM आयोजित कर लेने से ये पूरी नहीं हो जाती, उनको ये अनुभव कराना चाहिए और एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि उनको समझाए कि बच्चों के माता पिता की और स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है, न केवल प्लानिंग में बल्कि जो योजनाएं बनी हैं उनके क्रियान्वयन में भी। तो ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये कुछ ऐसे समाधान हैं जिससे हम कुछ प्रशासनिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। कुछ अन्य प्रशासनिक मुद्दे भी ऐसे हों जो हमारे शिक्षार्थियों के लिए लाभप्रद हैं, उस पर भी चर्चा हम चाहते हैं कि आप करें। एक मुद्दा यह है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्थानीय इकाइयां जिम्मेदार हैं उन तक जो वित्त दिया जाता है वो वित्त या तो केंद्र सरकार की योजना से आता है या राज्य सरकार की योजना से आता है, लेकिन वो जो धनराशि आ रही है उसका बंटवारा और उसका अनुदानित धनराशि का सदुपयोग कैसे हो, इसके तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि कई स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जो हैं उस धनराशि का उचित प्रकार सदुपयोग नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। अगला एक विषय है जिस पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी बात की गई है कि स्थानीय निकायों को, विद्यालयों को और स्थानीय स्तर पर वित्तीय सक्षमता लाने के प्रयास करने चाहिए कि वो विद्यालय अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर सक्षम हो जाए। उसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? विद्यालय की बहुत सारी, कई विद्यालयों में मैंने देखा है कि प्राथमिक विद्यालयों को लोग अपनी जमीन दान में दे देते हैं, तो उनकी उनके साथ खेती की जुड़ी जमीन होती है, तो उस खेती की जमीन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, क्या वो अतिरिक्त वित्तीय सहायता उत्पन्न की जा सकती है, या राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय तय करें कि विद्यालयों को अतिरिक्त वित्तीय सक्षमता लाने के लिए हम और कौन सी योजनाएं अपना सकते हैं, वित्त के कौन से भिन्न भिन्न स्रोत हो सकते हैं जिन स्रोतों से वित्त अर्जित किया जाए और उस अर्जित वित्त का विद्यालय के विकास में सदुपयोग किया जाए। साथ ही एक बड़ी समस्या है कि जो स्थानीय निकाय वित्तीय प्रबंधन करते हैं अर्थात जो उनको धनराशि अनुदान के रूप में या स्थानीय स्तर पर वो जो धनराशि अर्जित करते हैं उसका ठीक प्रकार से आय व्यय हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके आय व्यय का लेखा जोखा, ऑडिटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उनके वित्तीय प्रबंधन की ठीक से ऑडिटिंग होती रहे, इसकी भी हमें व्यवस्था सोचनी पड़ेगी और ये व्यवस्था एक कारगर व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय है। प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों के आलोक में हम ये चाहेंगे कि जो शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मसला है जी, इसके संबंध में इस पर प्रकाश डालिए कि ये किस तरीके से प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है शिक्षकों की नियुक्ति। भारत में लाखों की संख्या में प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय हैं, हम जानते हैं लगभग 13.25 लाख विद्यालय इस देश में प्राथमिक और प्रारंभिक क्षेत्र में हैं और वहां अध्यापकों की एक बड़ी संख्या में नियुक्ति है और फिर भी अध्यापकों की कमी भी है। बहुत सारे आज भी एकल विद्यालय हैं, हम जानते हैं समस्या है। दूसरा, बहुत सारे विद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त हैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है, योग्यता का संदर्भ उनकी शैक्षिक योग्यता से भी है और उनकी प्रशिक्षण योग्यता से भी है। तो एक पहला मुद्दा जो है वो है कि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता का निर्धारण होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण। हम यदि याद करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद उस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है
कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगी, इसके निर्धारण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की है। और NCTE ने प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, इसका निर्धारण करते हुए अधिसूचनाएं जारी की हैं और वो नियम हैं। अगला महत्वपूर्ण विषय है जो प्रबंधन से जुड़ा विषय है, वो है शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वे गुणी शिक्षक होने चाहिए। अब गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपको याद होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के बनने के बाद, कई सारी संस्थाओं ने केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षाएं आयोजित करनी प्रारंभ की। आपको याद है कि CBSE CTET जैसी परीक्षा कराता है जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। वे पात्रता परीक्षाएं क्यों आयोजित हो रही हैं? वे इसीलिए आयोजित हो रही हैं कि जो अध्यापक प्रशिक्षण लेकर भी आ रहे हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद भी क्या वो शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं नहीं रखते हैं, उसका उद्देश्य केवल यही है कि अध्यापक जो विद्यालयों में नियुक्त हों उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कई राज्य भी TET आयोजित कराते हैं, उसका भी यही उद्देश्य है। तो हम जब भी मुद्दों की चर्चा करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये सारे जो मुद्दे हैं नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़े, यदि हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में इनकी एक एक की व्याख्या करेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी इसको समझने में। तीसरा जो शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़ा मुद्दा है वह है शिक्षकों का सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण। वे शिक्षक जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? इस देश में बहुत सारी चिंतन हुए और 2014 में NCTE ने जब नए नियम और मानक बनाए, तब से सतत ये चर्चा चल रही है कि क्या सेवा पूर्व शिक्षा एक वर्ष की होनी चाहिए। आपको याद है कि सारी सेवा पूर्व परीक्षाएं शिक्षा के पाठ्यक्रम, चाहे वो DLED हैं या BEd हैं, सब 2 वर्षीय कर दिए गए। साथ ही अब बात हो रही है कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होने चाहिए, कम से कम इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम उनको पढ़ाए जाने चाहिए। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जा रही है और नए नए प्रयोग इसमें सामने आ रहे हैं। साथ ही जो शिक्षक सेवारत हैं, वो 2 तरह के शिक्षक हैं, या तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, उनके प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, NIOS DLED कार्यक्रम ऑफर कर रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कई सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम देता है, NCERT बहुत सारे कम अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। क्योंकि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 तरह के लोगों की मदद करता है, एक तो उन शिक्षकों की मदद करता है जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, वह आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वे शिक्षक समय समय पर जो नई चीजें आ रही हैं, जो नए प्रावधान आ रहे हैं, मूल्यांकन की नई प्रविधियां आ रही हैं, नई तकनीकियां आ रही हैं, ICT का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इन सब में वो अपने आप को निपुण कर पाए, अपनी योग्यता का विकसित कर पाए, सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों बिंदुओं पर काम करता है। तो इसके प्रबंधन की आवश्यकता है। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां यह मुद्दा बहुत प्रभावी हो जाता है, वह है विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती। अक्सर हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कई बार कुछ विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, कुछ विद्यालयों में एक शिक्षक या 2 शिक्षक हैं और वहां बहुत अधिक विद्यार्थी हैं, वहीं कुछ विद्यालय जो कई बार नगरों के करीब हैं या जहां शिक्षक जाना पसंद करते हैं वहां विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या तो कम है लेकिन शिक्षकों की तैनाती 8-8 और 10-10 तक है। तो विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का रेशनलाइजेशन कैसे हो, इसका तर्कपूर्ण समाधान कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है। अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम में देखें तो इसका समाधान भी सुझाया गया है। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आप पढ़ें तो उसके अंत में जब परिशिष्ट लगे हैं तो उस परिशिष्ट में एक जगह लिखा गया है कि कितने विद्यालय में विद्यार्थी हों तो शिक्षक कितने होने चाहिए। 30 विद्यार्थियों तक कितना होना चाहिए, 60 तक कितना होना चाहिए, 90 तक कितना होना चाहिए, 120 तक कितना होना चाहिए, 200 तक कितना होना चाहिए, शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात स्पष्ट चर्चा, स्पष्ट चर्चा है। तो उसको हमें वास्तविक तौर पर लागू करने की आवश्यकता है। ये एक बड़ी चुनौती है और जो लोग शिक्षक शिक्षा में और शिक्षकों की नियुक्ति का प्रबंधन करते हैं वे सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, चाहे वह जिला योजना अधिकारी हों, चाहे वह राज्य के अधिकारी हों,
कि शिक्षकों की नियुक्ति और तैनाती जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो सुझाव दिए गए हैं उनके तारतम्य में ही हो। तो ये शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़े कुछ बड़े मुद्दे हैं, साथ ही कुछ और मुद्दे इससे जुड़े हैं। एक मुद्दा है, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्र जैसी योजनाएं चल रही हैं। हमारे विद्यार्थी जिन भी राज्यों से आते हैं वो यदि अपने राज्यों में देखेंगे तो देखेंगे कि इस तरह की पैरा टीचर जिनको बोलते हैं शॉर्ट में, तो वह पैरा टीचर शिक्षाकर्मी के रूप में या शिक्षा मित्र के रूप में कई जगह नियुक्त हैं। इन योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद जब ये तय हो गया कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो क्या उस न्यूनतम संख्या की पूर्ति शिक्षकों को नियुक्त करके की जाए, या ये जो एडहॉकिज्म हम एक काम चलाऊ व्यवस्था चला रहे थे शिक्षाकर्मी और शिक्षा मित्र की, इसी योजना को लागू रखा जाए, इसके मूल्यांकन अध्ययन और इसकी आवश्यकता एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय सरकारों स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है, इस पर भी बहुत प्रश्न उठते रहे हैं, इस पर भी चुनौती है। शिक्षकों के वेतन संबंधी मुद्दे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, बहुत सारे राज्यों में कुछ शिक्षक पूर्ण वेतन पाते हैं, कुछ शिक्षक 7,000, 8,000, 10,000 के वेतन पर वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस कम वेतन का उनकी मनोदशा पर उनकी शैक्षिक इच्छा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 50% महिला शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इस पर भी सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें जो भी प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और संस्थाएं काम कर रही हैं उनको ये देखना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे गुणवान शिक्षक नियुक्त हों और कैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्ण समाधान दिया जा सके। जी जी, आपने स्पष्ट रूप से शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे उनकी सेवा शर्तें स्पष्ट रूप से रखी जी। अब हम ये जानना चाहते हैं अपने शिक्षार्थियों के माध्यम से कि विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होता ही है, हमारे शिक्षार्थी जानते हैं, जुड़े हुए हैं प्रारंभिक विद्यालयों से, उनके यहाँ भी है, तो उससे जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद आपको याद है कि जब सर्वशिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलता था और उससे पहले जब जिला विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम DPEP चलता था, उन कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समितियों की अवधारणा थी, विलेज एजुकेशन कमेटी की। लेकिन जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तब ग्राम शिक्षा समिति को बदलकर विद्यालय प्रबंधन समिति में बदल दिया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। उसमें उसको अधिक स्वायत्तता दी गई, विद्यालय के नियोजन में, कार्यक्रमों के नियोजन में उसकी बड़ी भूमिका देखी गई। तो इससे जुड़े भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पहली चुनौती है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन और संयोजन जो है वो उन मानकों के अनुरूप हो जो मानक शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बताए गए हैं कि उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, उनमें केवल वे ही माता पिता होने चाहिए जिनके बच्चे उस विद्यालय में नामांकित हों, उसमें उनके विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। तो ये जितनी भी समाधान उसमें दिए गए हैं उन सारे बिंदुओं पर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन और संयोजन हो। साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति के चूंकि बहुत सारे सदस्य ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उनको अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं होती, तो एक स्पष्ट योजना और स्पष्ट कार्य योजना बनाकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी भी आवश्यकता है कि विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य चुने जा रहे हैं उनका प्रशिक्षण किया जाए, छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से, टोलियों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो की मदद ली जा सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एक बड़ी चुनौती है, ताकि वह समिति के सदस्य जान सकें कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या भूमिका है और कैसे विद्यालय प्रबंध समिति प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। निश्चित रूप से उनको यह भी पता चले कि आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या उसके बाद जो उसमें संशोधन हुआ उसमें क्या क्या प्राविधान हैं, उनका अनुपालन हम कैसे करें। जब उन्हें जानकारी होगी तभी तो बैठकों में इस बात की चर्चा उठेगी और उस पर एक सुझाव प्रस्तुत होगा। एक और बड़ा मुद्दा है, विद्यालय प्रबंध समिति की एक बड़ी भूमिका रेखांकित की गई है बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर, कि बाल अधिकारों का हनन नहीं हो विद्यालय में और समाज में और उनका संरक्षण हो। तो उनके संरक्षण में हम विद्यालय प्रबंध समिति की जब भूमिका की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को ये बताने की आवश्यकता भी है कि बाल अधिकारों के संरक्षण में वो किन किन एजेंसीज की मदद ले सकते हैं, किन किन स्तरों पर उनका संरक्षण किया जाना है, साथ ही स्थानीय निकाय और सरकार के साथ जो समन्वय स्थापित करना है
उसकी बात उनको करनी है। साथ ही कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं विद्यालय प्रबंध समिति की, और वे बड़ी चुनौतियां भी हैं उनके लिए। जैसे विद्यालय की रोजमर्रा की गतिविधि और जो कार्यप्रणालियां हैं उनका वो अनुश्रवण, उनकी मॉनिटरिंग करते रहें, विद्यालय विकास योजनाओं का प्रभावी ढंग से निर्माण करें और उसकी संस्तुतियां दें, जो अनुदान आ रहा है उस अनुदान का उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा है, जिन मदों के लिए अनुदान आया है उन मदों में ही उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्यालय में जो शिक्षक नियुक्त हैं और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वे निरंतर उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी भी निगरानी करने की आवश्यकता है और विद्यालय प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। मध्यान्ह भोजन योजना जो कि लागू है वर्षों से विद्यालयों में, क्या वो ठीक प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनके आसपास के क्षेत्र में, उनके गांव के, उनके आसपास के गांव के जहां के विद्यालय में बच्चे आते हैं वहां के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं क्या वो विद्यालय आ रहे हैं, क्या उनका नामांकन हुआ है, यह भी विद्यालय प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी है विद्यालय प्रबंध समिति की, विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण, इसकी चर्चा हम समय समय पर करते रहते हैं और हमारे शिक्षार्थी ये जानते हैं कि विद्यालय विकास योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति की बड़ी भूमिका है। उनको एक 3 वर्षीय योजना बनानी होती है, साथ ही वार्षिक योजनाएं बनानी होती हैं और साथ ही उनको अनुमान लगाने होते हैं कि इस वर्ष से अगले वर्ष नामांकन कितना बढ़ जाएगा, जब नामांकन बढ़ेगा तो क्या किसी अतिरिक्त आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होगी, क्या अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त शैक्षिक संसाधनों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यदि अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसका अनुमान लगाएं और उसकी सूचना दें अपने उच्चस्थ अधिकारियों को जिला स्तर पर, ताकि अगला सत्र प्रारंभ होने से पहले आधारभूत ढांचे में जो सुधार होना है, संसाधनों की व्यवस्था होनी है और शिक्षकों की व्यवस्था होनी है वो पूरी कर सकें। तो विद्यालय विकास योजना के निर्माण में जो हम बात कर रहे थे डाउन टू टॉप अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर के उपागम की भी मैंने बात की थी कि एक समाधान ये हो सकता है, विद्यालय विकास योजना एक तरह से वही समाधान है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि विद्यालय के विकास में, विद्यालय के नियोजन में विद्यालय से जुड़े लोग, वो अध्यापक है, वो प्रधानाचार्य है या उस विद्यालय में आने वाले बच्चों के माता पिता हैं, उन सबकी भूमिका है और वो योजना बनाएं, वो अपनी योजना को ऊपर तक पहुंचाएं, वो योजना एक वर्ष के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बनाएं और वो योजना 3 वर्ष के लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बनाएं, जिससे कि विद्यालय में ये सारा किया जा सके। मुझे लगता है कि एक पक्ष और जुड़ा है विद्यालय प्रबंध समिति से और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंध समिति की कुछ और भूमिकाएं भी हैं। एक भूमिका विद्यालय प्रबंध समिति की रेखांकित की गई है बाल श्रम के उन्मूलन को लेकर। विद्यालय प्रबंध समिति को यह ध्यान में रखना है कि उनके आसपास कहीं बाल श्रम तो नहीं कराया जा रहा, कहीं बाल श्रमिक के रूप में बच्चे कार्य कर रहे हैं इसलिए वो विद्यालय आने से तो नहीं बच रहे हैं, तो इसके लिए उनको जो भी श्रम मंत्रालय से संबंधित उनके जिला स्तर पर अधिकारी हैं उनसे निरंतर संपर्क रखना है, उनकी मदद से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए काम करना है, एक बड़ा काम है। दूसरी जिम्मेदारी है समाज के जो वंचित वर्ग हैं, बेवर्ग जहाँ के बच्चे वहाँ आ रहे हैं और बेवर्ग जहाँ के बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक अधिकार पर आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, जिस भी आधार पर समाज के वंचित वर्ग हैं उनके बच्चों की उचित भागीदारी और 100% नामांकन क्या विद्यालय में हुआ है ये निर्धारित करना और इसकी निगरानी करना विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका है। ये विद्यालय प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला मुद्दा है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग जन कहते हैं, वे दिव्यांग बालक क्या उनको शिक्षण के समान अवसर विद्यालय दे रहा है, यह समान अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, किन भौतिक परिवर्तनों की आवश्यकता है, किन शैक्षणिक परिवर्तनों की आवश्यकता है, उनकी पहचान करना और उनकी व्यवस्था करना भी विद्यालय प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए जो पंचायती राज विभाग है उसके सहयोग से उनको काम करना है, और बाल अधिकारों के संरक्षण की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी विद्यालय प्रबंध समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित किया, जो दिव्यांग बच्चे हैं
जी, उनके लिए हमें विद्यालय का जो वातावरण है उसको समावेशी बनाने की जरूरत है, और ये मुहिम चल रही है। चाहे हमको आधारभूत जो ढांचा है उसको उस हिसाब से निर्मित करने या संशोधित किया जाए, या जो वहाँ पर पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका भी नियोजन और उनका संचालन इस तरीके से हो जिससे कि वह बच्चे भी उसमें सहभागिता करके अपने आप को अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। जी, ये भी सुनिश्चित करना विद्यालय जो प्रबंध समिति है उसका कार्य है, उसका कार्य। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सरकार का जोर है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। केवल सरकार का ही जोर नहीं है, एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे भी समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितने महत्वपूर्ण अंग हम हैं। तभी हम समानता और समता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा कर पाएंगे, हम संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। जी, तो निश्चित रूप से अगर जितने भी मुद्दे हैं आपने प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर बहुत विस्तृत चर्चा की, जी, और हमारे शिक्षार्थी या जो भी स्कूली शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति है इन मुद्दों पर जब अध्ययन करेगा तो ये पाएगा कि अभी भी बहुत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। निश्चित, कहीं ना कहीं नेटवर्क तो है, वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क तो है, चाहे वो केंद्र से लेकर के हम देखें सीआरसी तक। हाँ, आपने पहले भी इस बात को कहा कि उसको सशक्त किए जाने की जरूरत है कि शिक्षक उसमें सहभागिता करे, अपनी समस्याओं को ले जाए और उसमें समूह में संवाद करके एक हल उसको ढूंढे और विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके एक उसके हल को आगे भेजे। और वो जो अप्रोच है जब ये बदलेगी तो निश्चित रूप से हम समस्याओं को पहचान कर उनके सही स्वरूप को जानकर उनके हल के करीब पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये एक अपने आप में एक शिफ्ट की बात है, इस तरीके से अप्रोच को बदलने की जरूरत है, इसको आपने हाईलाइट किया है। और ये एक और बात जो इससे जुड़ी आपने रेखांकित की कि सकल नामांकन अनुपात हुआ, इसके बाद कैसे गुणवत्ता उन्नयन किया जाए, कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाए, ये भी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और ये प्रबंधन से जुड़ी चुनौती है। हाँ, नामांकन है फिर भी विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या बैठकें हो रही हैं, उनमें उनके माता पिता से चर्चा हो रही है, ये सब बातें आज की इस परिचर्चा में काफी व्यापक तरीके से और समस्याओं को रेखांकित करते हुए मुद्दों की चर्चा करते हुए और उनके व्यवहारिक समाधान सुझाते हुए डॉक्टर गौरव जी ने हम सभी का ज्ञानवर्धन किया है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए डॉक्टर गौरव जी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद आपका।